हेलो एवरीवन शुरू करने जा रहे हैं हमारा डेली वोक सेशन जिसमें हम टेन न्यू वर्ड्स के बारे में सीखेंगे आज का पहला वर्ड है ट्रेंचेंट जो कि एक एडजेक्टिव है इसका मीनिंग है तीव्र इंसेसिव सिनोनिम्स कटिंग पॉइंटेड एंटोनिम्स वुली वैग्यू एग्जांपल सेंटेंस द वाइट पेपर मेक्स ट्रांचंट क्रिटिसिजम ऑफ हेल्थ थोरिटीज नेक्स्ट वर्ड है एब्रेसिव एडजेक्टिव उसका मीनिंग है अपघर्षक कॉजटिकम्स कटिंग ग्रेटिंग एंटोनिम्स काइंड एग्जाम्पल सेंटेंस हर एब्रेसिव एंड एरोगेंट पर्सनल स्टाइल वोन हर फ्यू फ्रेंड्स ये जो वर्ड मीनिंग्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ ही साथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड एग्ज़ाम्पल सेंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सब तुम्हारे सी यू टी सी यू ई टी एग्ज़ाम उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सेक्शन में ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम सबको ही देना है तो आफ्टर ट्वेल्व तुम्हें इस एग्ज़ाम के लिए एकदम हंड्रेड परसेंट पढ़ाई करनी पड़ेगी वरना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर पाना मुश्किल है चलो बात करते हैं नंबर थ्री टर्बुलेंस जो कि एक नाउन है इसका मीनिंग है अशांति टर्म ऑयल सिनोनिम्स इनस्टेबिलिटी कन्फ्लिक्ट एंटोनिम्स पीस एग्जाम्पल सेंटेंस द कंट्री इज फेसिंग एक्सट्रीम पॉलिटिकल टर्बुलेंस नेक्स्ट कन्ग्रुनस जो कि एक नाउन है इसका मीनिंग है अनुरूपता compatibility synonyms consistency conformity antonyms conflict example sentence the results the results show quite good congruence with recent studies next number 5 dispense jo ki verb meaning hai web synonyms omit drop antonyms include example sentence let's dispense with the formalities shall we next word intrusive jo adjective है. meaning hai hastakshep karne intruding synonyms invasive obtrusive antonyms low -key. example sentence he asked an intrusive क्वेश्चन कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे कि ट्वेल्थ में आने के बाद तुम लोग सी एच एस एल के लिए एलिजिबल हो चुके हो तो एस एस सी सी एच एस एल एग्ज़ाम फेस कर सकते हो और और जो भी ये क्लासेस देख रहे हैं जो कोई भी कम्पटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा करके हमारा स्टॉक इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जरूर देखने को मिलते हैं अब तक के क्लास के हिसाब से हमने लगभग एटी या नाइन्टी वर्ड्स कवर कर लिए ठीक है ऐसे ही हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे तो एक दिन हंड्रेड भी सेंचुरी भी हो जाएगा फिर एक दिन था फाइव हंड्रेड भी हो जाएगा और वन थाउजेंड भी हो जाएगा ठीक है तो हमें हर दिन के प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हम एक सौ सीख लेंगे एक हज़ार सीख लेंगे ठीक है चलो बात करते हैं सेवन नंबर वर्ड की जहाँ बताया गया है इनहिबिट जो एक वर्ब है मीनिंग है रोकना इम्पीड सिनोनिम्स हिंडर हेम्पर एंटोनिम्स एजिस्ट एग्जाम्पल सेंटेंस कोल्ड इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ नंबर एट फ्लिकर जो कि एक वर्ब है मीनिंग है टिमटिमाना ग्लिमर सिनोनिम्स ग्लिंट ग्लीम Antonyms burn steadily. Example sentence The interior lights flickered and came on. Number nine Fiasco, which is a noun. Hai, meaning hai, asafalta, failure. Synonyms disaster, catastrophe. Antonyms success. Example sentence His plans turned into a fiasco. हमारा लास्ट वर्ड जो कि टेन नंबर वर्ड है एक्सपेडिटियस जो कि एक एडजेक्टिव है मीनिंग है शीघ्र स्पीडी सिनोनिम्स स्विफ्ट क्विक एंटोनिम्स स्लो एग्ज़ाम्पल सेंटेंस द मर्डर इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू गेट एक्सपीडिटीर्स इसी के साथ हमने दस वर्ड आज के क्लास में कंप्लीट कर लिए फिर मिलेंगे एक नए क्लास में नए टेन वर्ड्स के साथ तब तक आप पुराने चीज़ें ज़रूर रिवाइज करें रिविशन नहीं करेंगे तो नए चीज़ें सीखते जाएंगे और पुराने चीज़ें भूलते जाएंगे तो रिविशन बहुत ज़रूरी है मंडे से लेके फ्राइडे तक सीखते रहो सैटरडे और संडे रिविशन में काम पर लगाओ ठीक है रिविशन हर हफ्ते बहुत ज़रूरी है और दिन में भी तुम रिविशन का शेड्यूल बना सकते हो मान लो कि दिन का पूरे दिन मिला के तुमने जितने भी पढ़ाई किए लास्ट एंडिंग में वन टू टू आवर्स रिविजन के लिए रख दो उस दो घंटे में पूरे दिन में जो भी सीखा वो रिवाइज़ करोगे तो एक हर दिन तुम रिवाइज़ कर रहे हो लास्ट मोमेंट के टू आवर्स में और एक तुम हफ्ते के एंड में संडे को या फिर सैटरडे प्लस संडे को रख सकते हो रिविजन करने के लिए ऐसे करने से तुम्हारे जो भी सीखे हुए चीज़ है वो कभी भूलोगे नहीं वो एल में सेव हो जाएंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी ओके तो फिर मिलते हैं एक नए क्लास में तब तक अच्छे से पढ़ते रहो दिस इज़ मिस्टर शुभ्रिया साइनिंग ऑफ